देश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। चुनावी साल में सरकार सबकी सुध ले रही है, सबकी खबर ले रही है, सभी की नाराजगी दूर की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में पास हुए अभ्यर्थियों से बात की है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने करीब आधा घंटे तक इन प्रदर्शनकारियों से भोपाल में मुलाकात की है, उनकी बात सुनी और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 30 मिनट तक भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बैठकर इन प्रदर्शनकारियों को तसल्ली से सुना। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अपनी मांगों के बारे में बताया। इन प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को बताया है कि प्रमोशन और रिटायरमेंट से रिक्त होने वाले प्राथमिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के सफल अभ्यर्थियों से की जाए। हमने ओबीसी होल्ड को लेकर फोकस किया, वेटिंग को लेकर किया और पद वृद्धि को लेकर जो मेन फोकस था वो भी हमने किया, तो तीनों फोकसों पे उन्होंने हमें एक प्रतिक्रिया दी। पिछले एक साल से पद वृद्धि की मांग कर रहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब करीब 10,000 पदों की वृद्धि की जाएगी, जिससे इस भर्ती में 13% ओबीसी होल्ड हटाने और पद वृद्धि की मांग का समाधान किया जा सके। और खासकर ओबीसी का जो होल्ड था वो पद वृद्धि के, अब पद वृद्धि 7,000 से 10,000 के बीच में या उससे प्लस भी पद वृद्धि हो सकती है, जिसमें सभी जो वेटिंग है और उससे नीचे जो नंबर हैं कम से कम 2-4 नंबर तक और फायदा हो सकता है, मतलब 10,000 प्लस पद वृद्धि होने की पूर्ण संभावना, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है। ये अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन कर चुके हैं। प्रदेश तक ने इन प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर बूट पॉलिश और भीख मांगने की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। अब जब चुनावी सीजन चल रहा है तो सरकार कमोबेश सभी तबकों की बात सुन रही है, सभी की मांगों को पूरा किया जा रहा है या पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों को फिलहाल सरकार की तरफ से भरोसा मिला है, आगे सरकार इस पर क्या करती है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आगे के सभी अपडेट्स के लिए और तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।